आदरणीय मित्रों, जैसा श्री एके एंटनी जी ने कहा, आज एक सुखद दिन है। इसलिए कि राहुल जी ने अनेकों बार कहा है और कि अमेठी उनकी कर्म भूमि है, अमेठी के लोगों का प्यार और स्नेह राहुल गांधी जी के लिए बेजोड़ है। अमेठी से उनका रिश्ता केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि का नहीं, परिवार के एक सदस्य का है, और इसीलिए उन्होंने सदैव कहा कि वो अमेठी को कभी छोड़ नहीं सकते। उसके साथ साथ दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तर और दक्षिण भारत का एक सांस्कृतिक और भाईचारे का रिश्ता रहा है, पर मौजूदा परिस्थिति में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की भाषा, उनकी शैली, उनके खान पान, उनकी संस्कृति, उनके जीने का तौर तरीका, उस पर हमला किया जा रहा है मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से इसलिए मांग आई कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए तीन प्रांतों ने, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया, जैसा श्री ए के एंटनी जी ने आपको बताया कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। और वायनाड ही क्यों? क्योंकि वायनाड का एक अनोखा स्वरूप है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है, जहां एक तरफ तमिलनाडु का पूरा नीलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ कर्नाटक का मैसूर का क्षेत्र को ये सीट जोड़ती है। तो एक तरह से तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक शैली का प्रतिनिधित्व ये वायनाड का संसदीय क्षेत्र करता है, और इसीलिए पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि वो एक तरह से इन तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस सीट संसदीय क्षेत्र से लड़कर कर पाएंगे। और दक्षिण और उत्तर भारत में जिस प्रकार का एकजुटता का सूत्र है, उसे और मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक हर्ष का दिन है कि दूसरी सीट अमेठी के बाद वायनाड सीट से भी श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब आपके प्रश्नों का स्वागत है। वी विल हैव टू टेक वन बाय वन, इफ यू स्पीक ऑल वी विल नॉट बी एबल टू। I think AK Antony ji has already spoken on it. भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए, वो बनारस क्यों गए? इसका मतलब गुजरात में स्थिति खराब थी? इस प्रकार की बचकाना बातों, इमेच्योर जो एक अंग्रेजी का लफ्ज है, कि बजाय गंभीर राजनीतिक विषयों पे चर्चा करें तो अच्छा है। भाजपा इतनी घबराई क्यों है? और एक बात और समझ लें, पहले दिल्ली में चांदनी चौक ने हराया, उसके बाद अमेठी ने भगाया, और जिस हमारी आदरणीय मंत्री महोदया की आप चर्चा कर रहे हैं, जो जिनको अब टिकट दी है, अब हार की हैट्रिक का अमेठी ने माहौल बनाया, ये समझ लीजिए। अमेठी और राहुल गांधी जी, उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं, उनका रिश्ता मन, आत्मा और शरीर का है। अमेठी राहुल जी के मन और कण कण के अंदर बसती है, और अमेठी के मन में राहुल जी। यह रिश्ता पारिवारिक है, यह रिश्ता राजनीतिक नहीं, और यह अटूट बंधन
भाजपा के घिनौने षड्यंत्रों से नहीं टूट सकता। मैम यू वॉन्टेड टू आस्क, सर आई कम टू यू। यस आई एम टेकिंग द क्वेश्चन प्लीज। मैम दिस इज नॉट ए फाइट विद द लेफ्ट और द राइट, दिस इज ए फाइट टू एस्पाउस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ साउथ इंडिया इंक्लूडिंग पीपल ऑफ केरला। दिस इज ए फाइट टू गिव ए बिफिटिंग रिप्लाई टू दोज फोर्सेस हु आर अटैकिंग द कल्चर द लैंग्वेज द वे ऑफ लाइफ एज ऑल्सो द डीप कनेक्ट बिटवीन द टू पोर्शंस ऑफ इंडिया द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया between which Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi has created a deep divide. This is a fight to give a message to people of southern states that they are deeply valued, that they are deeply respected, that their culture, that their language, that their way of life, that their food habits, that their the habits, the clothes that they wear, as also their entire way of life is important to the Indian National Congress, as also to India as a unified country. This is a fight against those forces who seek to divide India based on color, based on language, based on way of life, based on food habits, based on the clothes you wear. And that's why Rahul ji has said, I will represent Amethi, but I will also represent the southern states, for they are an important part of India's way of life and India's way forward. Okay, Jaininder. Sir, I'm sorry, I'll come to you. कांग्रेस की सरकार 2019 में जब 130 करोड़ जनता के आशीर्वाद से बनेगी तो राहुल जी इस देश के हर कोने का और बढ़कर प्रतिनिधित्व करेंगे। जो बात भविष्य के गर्भ में है उसकी व्याख्या हम एबीपी को धीरे धीरे करेंगे। आदरणीय मित्र, जैसा मैंने एक और आदरणीय साथी के प्रश्न के जवाब में कहा, राहुल जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लड़ाई लेफ्ट और राइट की नहीं, ये लक्ष्य उससे बड़ा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के साथ हो रहे भेदभाव, दक्षिण भारत की संस्कृति, वहां के लोगों की शैली, जीवन शैली, वहां के लोगों की भाषा, उनकी जिंदगी का तौर तरीका, उनके खान पान का तौर तरीका, उनके कपड़े पहनने का तौर तरीका और उनके पूरे जीवन जीने की शैली, उस पर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने आक्रमण किया है। उत्तर और दक्षिण के बीच एक अटूट रिश्ता रहा, आदिकाल से रहा। चाहे आप वेद पढ़िए और चाहे आप रामायण और महाभारत, वो रिश्ता आपको आपको हर ग्रंथ के अंदर नजर आएगा। महाभारत से लेकर और रामायण तक उस रिश्ते पर चोट पहुंचा रही है मौजूदा सरकार, और इसलिए राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि जहां अमेठी से उनका अटूट आत्मा का रिश्ता है, उसके साथ साथ वो वायनाड की सीट इसलिए लड़ेंगे कि वो तीनों प्रांतों का एक तरह से दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व करती है। हमारा संदेश बिल्कुल सीधा है दक्षिण भारत के हमारे आदरणीय वहां के नागरिकों को, कोई भी सरकार आपकी जीवन शैली पर आक्रमण करेगी तो राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आपकी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी जीवन शैली के संरक्षण के लिए खड़ी है।
और ये जो आपने कहा कि अमुक पार्टी जीती और अमुक पार्टी जीती, मुझे नहीं लगता कि ये बातें प्रासंगिक रहेंगी राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ने के बाद। सर ओके ओके आई थिंक इट्स लिटिल प्री मेच्योर, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। I think we have come here with a specific announcement which is extremely important. Please ask the question separately or at another time and I'll be happy to answer. अमेठी के जनता की बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाइए। अमेठी ने विषम से विषम परिस्थिति में राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आदरणीय राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी को बार बार चुनकर भेजा, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस देश का बेहतरीन संचालन और अमेठी के हर जन का की सुरक्षा और संरक्षण वो राहुल गांधी जी के हाथ में सुरक्षित है। वो स्नेह और प्यार की डोर वो हमेशा बनी रहेगी, उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी का मिथ्या प्रचार तो कदापि नहीं, इसलिए ये बात बिल्कुल प्रासंगिक नहीं कि भाजपा किस प्रकार का प्रचार करेगी। उनका काम है षड्यंत्र करना और हमारा काम है निर्माण करना। धन्यवाद।